पटना के बुद्धा थाना इलाके में एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। कैलाश नाम का एक 45 वर्षीय मोटर मैकेनिक एक रोज लोहे की रॉड लेकर थाने पहुंचा और पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस को उसकी बातें पहले तो समझ नहीं आईं, लेकिन जैसे ही उसने पूरी कहानी सुनानी शुरू की, सभी का दिल दहल गया। कैलाश को लंबे समय से शक था कि उसकी पत्नी और उसके बड़े बेटे के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसने कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा था। हर बार वह अपने मन को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दिल में बैठे संदेह ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। उसने पुलिस को बताया कि एक बार जब वो काम से लौट रहा था, तो एसके मेमोरियल के पास एक सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया। दर्द से कराहता हुआ वह किसी तरह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका कमरा अंदर से बंद है। उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा कि कमरे में अंधेरा था, लेकिन हल्की रोशनी में उसे अपनी पत्नी और बेटे की परछाइयां नजर आईं। दोनों ऐसी हालत में थे कि कैलाश के मन का शक यकीन में बदल गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। एक बार तो वह उसके कदमों में भी गिर पड़ा, अपनी इज्जत की दुहाई दी और इस सब को बंद करने की गुहार लगाई। लेकिन उसकी पत्नी और बेटा दोनों पर जैसे किसी बात का असर नहीं हो रहा था। कैलाश अंदर से टूट चुका था। उसने करीब एक साल तक इंतजार किया कि शायद उसकी पत्नी अपने कदम पीछे खींच लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक रात जब कैलाश ने अपनी पत्नी से रिश्ते सुधारने की बात की, तो उसकी पत्नी ने उसे साफ इनकार कर दिया। उस रात कैलाश का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसकी आत्मा पर जो चोट लगी थी, वो उसके सब्र की हद से बाहर जा चुकी थी। गुस्से में उसने अपने हाथ में रखी लोहे की रॉड उठाई और पत्नी के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में उसकी पत्नी का सिर कुचल गया और वह बेजान होकर वहीं गिर गई। अगले दिन जब मोहल्ले वालों ने देखा कि गली में कैलाश की पत्नी का खून से लथपथ शव पड़ा है, तो लोगों ने कैलाश की बेटी को सूचित किया। बेटी भागती हुई घटनास्थल पर पहुंची और अपनी मां का शव देखकर फफक पड़ी। उसने अपनी मां का सिर ढंकने के लिए उसका दुपट्टा लपेट दिया। बेटी ने कहा कि उसके पिता हमेशा मां पर साथ रहने का दबाव बनाते थे, लेकिन मां बीमारी के कारण अक्सर बेटी के साथ सोती थी। इस बात ने भी कैलाश के दिल में शक और गुस्से की आग को और भड़काया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यह हत्या एक पारिवारिक विवाद का परिणाम थी, जहां पति ने शक और गुस्से में आकर अपनी पत्नी की जान ले ली। जांच में पता चला कि कैलाश ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी उसका ख्याल नहीं रख रही थी और उसकी बातों को अनसुना कर रही थी। उसके इसी गुस्से और संदेह ने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया। जांच दल ने मौके पर पहुंचकर FSL की टीम को बुलाया और घटनास्थल से रॉड को जब्त कर लिया। DSP कृष्ण मुरारी ने बताया कि यह एक दुखद घरेलू विवाद का मामला है, जिसमें पति ने अपने ही हाथों अपनी पत्नी की जिंदगी छीन ली। कैलाश के बयान और उसकी बेटी की गवाही के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि संदेह और गलतफहमी कैसे एक खुशहाल घर को उजाड़ कर रख सकती है। दोस्तों, रोज ऐसे ही ढेर सारी क्राइम की अनेकों कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।